सभी सदस्यों को नमस्कार। आज 28 मई 2024 और आज का जो विशेष जो वीडियो है, मैं आपको आरएसा और आरेवा जो दो अलग अलग जो संगठन है, बहुतों को पता नहीं है कि आरएसा क्या चीज़ है, आरेवा क्या चीज़ है। जब मैं बात करता हूँ कि आप सदस्यता लिया है, मैंने प्रॉब्लम बताते हैं फ़ोन करके, क्या सदस्यता लिया है आरेवा का, क्या है सर मुझे पता नहीं सर, यहाँ कहीं ऑफिस नहीं है सर, मैंने आरएसा का तो ले रखा हूँ। देखिए, जबकि देखिए ये जो दो संगठन को इससे पहले भी मैंने बता चुका हूँ, और 23 अप्रैल 2023 का जो है 10 मिनट 33 सेकंड का एक वीडियो मैंने निकाला था, यानी कि आरएसआर डी रजिस्ट्रेशन पार्ट टू करके जो हमने डॉक्यूमेंट मंगाए थे, आरएसआर को हम डी रजिस्टर करने जा रहे हैं, क्योंकि यह जो है एक्चुअल में सही नहीं है, कानूनी ढंग से भी सही नहीं है और हमारे वेलफेयर भी देखते नहीं है। यहीं पे मैं आपको और विस्तार से बताना चाहता हूँ, आरएसआर जो संगठन है यानी कि आसाम राइफल एक्सरसाइजमैन एसोसिएशन, इसमें वेलफेयर नाम की चीज़ नहीं है देखिए, जबकि आरेवा है आसाम राइफल एक्सरसाइजमैन वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि जो वेलफेयर जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखिए। जबकि आरएसआर का जब इन्होंने स्टार्ट किया था 1978 में स्टार्ट करके जो अभी तक चल रहा है लोग, तो बीच में क्या हुआ कि ये हम देखते हैं जो सर्विंग पर्सन से कंट्रीब्यूशन लेते हैं, जो शुरू शुरू में 10 रुपये से स्टार्ट करके आज 120 रुपये सालाना लेता था, और आज जो है ये एक साल में 1500 रुपये लेता है, 1500 रुपये ये एक ही साथ जनवरी में कलेक्ट कर लेते हैं, जो करोड़ों में आते हैं, जो केवल असम राइफल्स के जवानों से लेते हैं, आर्मी ऑफिसर से लेता नहीं, और आर्मी के जो भी हमारे यहाँ पोस्टेड है उनसे जो है पैसा लेता नहीं। और आरएसआर जो मैं कहूँगा कि जो मेन जो मुद्दा है असम राइफल का, जैसे मेन मुद्दा कब से स्टार्ट हुआ था, जो कि फोर्थ पे कमीशन में जो लोग थे असम राइफल में, थर्ड पे कमीशन में ज़्यादातर जो पेंशनर्स हैं, थर्ड पे कमीशन में हमको आर्मी की बेनिफिट मिलता था, जबकि उस वक्त भी हम ड्यूल कंट्रोल में थे। 1965 से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन है, और ऑपरेशनल कंट्रोल तो आप सभी को पता है कई सालों से जो है हम आर्मी के अंदर, इवन जब आज़ाद भी नहीं हुआ था 1884 से, उस वक्त के जो ब्रिटिश जो फौज थे यहाँ इंडिया में आर्मी के, ऑफिसर हमें कमांड करता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हमने कभी जो आर्मी के साथ यानी कि गोरखा राइफल्स के साथ जो हमने काम किया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देख लीजिए, और इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद भी, और अभी तक हम ऑपरेशनल कंट्रोल किसके अंदर है, आर्मी के अंदर है। इसीलिए जो है 80% जो ऑफिसर्स हैं हमारे असम राइफल में वो आते हैं इंडियन आर्मी से। डायरेक्टर जनरल आप सभी को पता है लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का है, और फिलहाल का जो डायरेक्टर जनरल है उसने तो कमाल ही कर दिया। देखो उन्होंने जो है पहले बताते हैं कि एज ए कैप्टन आए थे 7 असम राइफल में, फिर बीच में जो ब्रिगेड जब कमांड करते थे आर्मी का तब भी असम राइफल को इन्होंने कंट्रोल किया, कमांड किया, मेजर जनरल बन के आए, आईजीआर जब थे हमारे, अभी डीजी आके बन रखा है, यानी कि इन्होंने अपना सर्विस का 14-15 साल जो है असम राइफल में बिताया है, और जो एवीएसएम पीवीएसएम जो ले रखे हैं इन्होंने, जो भी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक भी जो यहाँ तक पहुँचा है, वो असम राइफल का जो परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिपेंड है। और हमें बहुत दुख होता है और बिल्कुल ही क्या कहते हैं इसको, अचरज होता है, अचरज कि ये जो ऑफिसर है हमारे वेलफेयर नहीं देख रहे हैं। और इनसे पहले भी सुशील कुमार साहब के टाइम पर ही कुछ समय, 1.5 साल कुछ रहा, 2 साल के करीब बहुत ही अच्छा वेलफेयर देखा, वो प्राइम मिनिस्टर से बात करते थे जाके असम राइफल के वेलफेयर के बारे में। आजकल का जो आ रहे हैं, जो स्पेशली जो हमारे अभी का जो डीजी है जो कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे क्या है, सबसे बड़ा इशू क्या है असम राइफल में, ड्यूल कंट्रोल है, इसको एड्रेस करता नहीं। इन्होंने पकड़ रखा है आरएसआर, देखिए आरएसआर का जो फंड काफ़ी है इनके पास, करोड़ों रुपया है, और नेपाल इंडिया में जो जो सेंटर है वहाँ ये विजिट कर रहे हैं और अभी भी विजिट करते रह रहे हैं, जो कि सर्विस इनका 1-1.5 महीने शायद रहा है, और जाके ये दिखाना चाहता है कि काफ़ी जो है हम असम राइफल का वेलफेयर देख रहे हैं, सरकार को जो है गलत मैसेज जाता है। तो इसीलिए ये जो आरएसआर है इसको हम डी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आरटीआई वगैरह के डॉक्यूमेंट लिया, अभी इसका प्रोसेस चालू है। और जहाँ तक संबंध है आरेवा का, देखिए आरेवा जो है 10 साल हो चुका है, यह अलग सा एक एसोसिएशन है, असम राइफल एक्सरसाइजमैन वेलफेयर एसोसिएशन, जिनका मेंटर 2014 में जो है हमने बात करके हमारे पूर्व जो असम राइफल्स की पहला डीजीआर था जनरल सुशील कुमार सर, जो अभी हमारे बीच नहीं रहा, वो जो है मेंटर हैं इसका, और हमारे पैटर्न इन चीफ जो है मेजर जनरल वी एस कार्निक सर, जो 11 असम राइफल के कमांडेंट हुआ करते थे,
और ये बहुत ही ताकतवर ऑफिसर है, बहुत ही ठोस ऑफिसर है और वेलफेयर के लिए जो है ये काफ़ी तगड़ा है हमारे जनरल कार्निक सर। बीच में हमें रेगुलर हम बात करते रहते हैं। और अभी क्या है देखिए, हमारा जो DGR जो है एक एक करके बेनिफिट जो है असम राइफल के जवानों से ये लोग ने कम करता गया। जैसे आप सभी को पता है पहले हमें पूरे आर्मी की बेनिफिट मिलता था, ऑनररी रैंक हुआ करते थे और जो भी अलाउंस वगैरह जो है आर्मी के तहत था। थर्ड पे कमीशन के बाद जब 1186 से फोर्थ पे कमीशन आया सब जो है कम करता गया और उन्होंने बिना ऑपरेशनल कंट्रोल चेंज किए इन्होंने क्या कर दिया, हमें पुलिस में रख दिया। चलो ये बात तो कोर्ट में है और हम कोर्ट से अभी अगला हियरिंग का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो DG आते हैं, जो ऑफिसर को बताया जाता है कि जो ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं IMA में, बोलते हैं कि नेशन का इंटरेस्ट पहला होगा और जो द मैन यू कमांड, जो भी है वेलफेयर कम्फर्ट, जो भी ऑफ द मैन यू कमांड कम नेक्स्ट, योर ओन ईज कम्फर्ट कम लास्ट ऑलवेज इन एवरी टाइम। ये जो ऑफिसर है ये अपने जो इंटरेस्ट को सामने रखता है, नहीं समझे आप। और जो ब्यूरोक्रेट्स है, मंत्रीगण है, उनको पता नहीं असम राइफल क्या चीज़ है, वो पता नहीं क्या है, उनको ब्रीफ करते हैं कि असम राइफल से अभी क्या करते हैं, सेना मेडल, यानी कि जो वार फ्रंट जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में जाते हैं असम राइफल के जवान, 1960 में शुरू हुआ था सेना मेडल, 2022 तक यानी 62 साल तक हमको देता रहा ये लोग। देखिए वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक मोरल के ऊपर इफेक्ट होने वाली बात है, जो कि ये जो DG के चलते उसको भी हटा दिया 2022 से और हमें देना शुरू कर दिया, बोला पुलिस मेडल। एक ही ऑपरेशन में जो असम राइफल के जवान जाते हैं, आर्मी ऑफिसर लीड करते हैं, ऑपरेशन का सक्सेस कैसे होता है, हमारे जवान जो कि बिल्कुल ही बहुत ही जो है क्या है ट्रेंड है, इनको जो है मरने से भी फिक्र नहीं रहता है। आपने देखे होंगे कई सारे ऑपरेशन, जो दूध ऑपरेशन JNK में हुआ था 5 मई 1991 को, देखिए एक JCO 14 अदर रैंक यानी कि 15 जवान की टुकड़ियों ने 72 मर्सनरीज को मारा था जो पाकिस्तान से आए थे और 13 को जिंदा अप्रिहेंड किया था और कई सारे हथियार वगैरह पकड़े हैं, आज तक रिकॉर्ड है। देखिए उनमें भी एक सेना मेडल मिला था हमारा राम कुमार को, इन्होंने जो है सेना मेडल को ही बंद कर दिया असम राइफल से। कितना बड़ा कौन सा ये ऑफिसर है ये मेरे को पता नहीं चलता ये, और क्या इंडियन आर्मी के पास और कोई ऑफिसर नहीं है क्या, इन्हीं को बार बार यहाँ भेजना, और कहाँ जो है मसाज लगा के या ये चापलूसी करके आता है मेरे को पता नहीं। इन्होंने जो है बिल्कुल ही दंग रहेंगे, इवन ऑफिसर से ही जनरल कार्निक साहब भी जो अचंभित है। हमारे जो ऑफिसर्स हैं, अभी कमांडेंट भाग सिंह साहब से मैं बात कर रहा था कुछ देर पहले, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने अभी मंत्री वगैरह आ रखे हैं जो हमीरपुर में, उनसे मिलने जा रहे हैं, मैंने बोला उनको ब्रीफ करने के लिए, वो भी अचंभित है। ऐसे ऐसे ऑफिसर हैं जो कि 3-3 बार आ रखे हैं हमारे असम राइफल के, नमक खा रखा है इन्होंने, रैंक भी इनको उसी के चलते मिला है और जो भी डेकोरेशन जो लेके चल रहे हैं अभी AVSM PVSM जो भी है वो भी शायद असम राइफल के थ्रू ही मिला है। वो हमारे से सेना मेडल जो कि एक रिकग्नाइज करता है आर्मी का एक ऑपरेशन की जो सुपीरियरिटी ऑपरेशन में सक्सेस होने का, इंडिविजुअल को रिकग्नाइज करने का एक जो चीज़ है उसको भी निकाल दिया। देखिए ऐसे ऐसे DG है। तो अभी हम इसलिए ये कर रहे हैं कि आरेवा का तो आप समझ गए, आरेवा को स्ट्रोंग बनाना है। आरेवा एसोसिएशन जो भी बंदे अभी तक मेंबरशिप नहीं ले रखा है उन्होंने मेंबरशिप लेना है, इसको मजबूत करना है ताकि हमारा जो लड़ाई हम जीतें, सरकार को बताएं कि हमारी 25,000 नफरी से भी ज़्यादा है। ये जो AGM में मैंने मैसेज भी दे रखा है, हमारे नेशनल सेक्रेटरी कल श्रीनगर में था, देखिए पौड़ी गढ़वाल में, वहाँ भी लोग दूर दूर से आ रखे थे 60 आदमी के करीब, वहाँ भी जो है प्रोटेस्ट किया है DG के अगेंस्ट में। हमने एक ये बना रखा है एक रूटीन कि इस DG को जो है बाइकआउट करो, यह जो है बिल्कुल इनएक्टिव है हमारे वेलफेयर के लिए। वो अभी पता चलेगा 1.5 महीने बाद कि वो किसके वेलफेयर के लिए नौकरी कर रहा था, और हम उनसे जो है बिल्कुल नाराज है। केवल हम ही नहीं, असम राइफल्स के पूरे जो जवान जो हैं सर्विंग और रिटायर्ड पर्सन, यह जो हरकत के लिए, तो मैं उनको वार्न भी करता हूँ, ये जो सेना मेडल को जल्दी से रीस्टेट करो, जो नहीं तो क्या करो असम राइफल को MHA में भेज दो, उसके लिए भी मंजूर है, एक ही मंत्रालय में रहेगा हम। जब तक ऑपरेशन ड्यूटी हम कर रहे हैं आर्मी की, तो हमें वो पूरा सहूलियत मिलना चाहिए। और ये जो आपने हटाया है सेना मेडल, शायद यह दिखाने के लिए कि हम इसको पुलिस में ले जाएंगे, लेकिन काम हम लेंगे आर्मी से। शायद होम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर किसी से बात किया होगा इन्होंने, वो बिल्कुल गलत है, हम उसको नकार रहे हैं। और मैं अपने जवानों को बोलता हूँ कि आरेवा को मजबूत करो, यह नीड ऑफ द आवर है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय आरेवा, जय भारत माता।